बिरसा मुंडा अगरबत्ती लगाने वाला भगवान नहीं है, जो आपको लड़ना सिखाता है, मरना सिखाता है, जीना सिखाता है, वो भगवान है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के हरिहूद गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हुई। बिरसा मुंडा को बेदर्दनाक मौत मारा गया, उनको पॉइजन पिला गया, उनकी खाल निकाली गई, उनको पॉइजन पिला गया, उनकी खाल निकाली गई और बोला गया भोल तू इतिहास का मालिक नहीं है, आदिवासी नहीं है, तेरा जमन पे अधिकार नहीं है। बिरसा मुंडा रात भर तड़पते रहा, मर गया, लेकिन लिख के दे दिया उन्होंने। आखिरी दम तक एक ही बात बोला उन्होंने, मैं इस देश का आदिवासी था, हूँ और रहूंगा। इस जमीन के टुकड़े पर अपनी जिंदगी को निछावर करने के इतिहास सिर्फ आदिवासियों को। इनसे पूछो, जमीन नहीं होती तो देश होता क्या? आजादी के 47 साल थे भाई, इस देश का भारत नाम नहीं थे तब से आदिवासी रहता है। इस देश में आर्य आक्रमण नहीं आए थे तब से आदिवासी रहता है। इस देश में भगवान का जन्म नहीं होता तब से आदिवासी रहता है। ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, आदिवासियों को ही खत्म करना चाहते हैं। ये लोग पहले आदिवासी को मूल निवासी बोला करते थे, फिर आदिवासी बोलने लग गए। जिनकी नजर इस जमीन में है वो हमको वनवासी बोल रहे हैं। हम ऐसे ही चुप रहेंगे तो 10 साल बाद ये स्वर्गवासी बोलेंगे। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, हकीकत वादा ये सच्चाई है, ये देखा गया है। ये लोग हमारी माँ बहनों को देख कर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, ये आदिवासी समाज की लड़की है, इसके साथ कुछ भी कर दो, इसके समाज के लोग तो गाड़ू है। हमको साबित करना है कि अपनी माँ बहनों की रक्षा करने के लिए समाज रास्ते पे आएगा, ये समाज रास्ते पे आएगा। जैसे मनमोहन साहब अट्टी जी ने एक ऐसा डर बना दिए थे, हमको ऐसा डर बना दिए थे, मतलब उनका नाम भी सुन लेते थे तो लोग 10 मिनट तक उनका सामने वाले व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता था। हमको